हेलो गाइस, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी उत्तराखंड जेआईसी प्रवक्ता के बारे में। और आज हम यहां पर देखेंगे प्राचीन भारत का धार्मिक सुधार आंदोलन। और हम यहां पर परीक्षा में आए गए ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछे गए हैं। और साथ साथ यह जो हमारी सीरीज़ है, यह यूपीपीसीएस, यूपीएससी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूकेजीआईसी प्रवक्ता के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि हमने बताया, हम धर्म सुधार आंदोलन के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं जो प्राचीन भारत में है। तो प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलनों से संबंधित हम यहाँ पर एमसीक्यू को देखेंगे। और जब हम यहाँ पर एमसीक्यू बात करने वाले हैं, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में अवश्य पूछे गए हैं, तो ये अच्छा तरीका हो सकता है प्रिपरेशन का किसी भी एग्ज़ाम के। तो यहाँ पर जो एमसीक्यू हम देखने वाले हैं, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में अवश्य पूछे गए हैं, और साथ साथ ही आपको अदर जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है वो है कि जैन धर्म में एक प्रथम संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना कब की गई थी। तो श्वेतांबर की जो स्थापना की गई थी वो वल्लभी स्वामी की गई थी। वैसे तो ये की गई थी पाटलिपुत्र में, क्योंकि ऑप्शन में पाटलिपुत्र नहीं है, और यह लगभग दूसरी सभा में यहाँ पर परिणित किया गया था जैन धर्म को। तो जैन धर्म जो है दो भागों में बटा हुआ है। पहला तो है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। तो दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में यहाँ पर बटा हुआ है जैन धर्म। तो यह जो बटा था, यह पाटलिपुत्र या वल्लभी सभा के दौरान इसको बांटा गया था। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा बी। बी हमारे यहाँ पर सही उत्तर है, वल्लभी या पाटलिपुत्र। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है वो है कि जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थकर नेमिनाथ संबंधित किससे हैं। तो यह जो संबंधित हैं, ये कृष्ण संबंधित हैं, और 22वें तीर्थकर जो नेमिनाथ हैं उनको कृष्ण के ही समकालीन और उनका चचेरा भाई माना गया है। तो ये संबंधित है कृष्ण से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वीर निवारण युग किससे संबंधित है। तो वीर निवारण जो युग है वो संबंधित है जैन धर्म से। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे, भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण को स्मरण करता है वीर निवारण युग। तो यह संबंधित है जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित है। तो महावीर जैन के शिष्य के रूप में जो संबंधित है वो मखमली घोषाल है। मखमली घोषाल जैन धर्म से संबंधित है, और जो महावीर जैन के शिष्य थे। तो यदि हम बात करते हैं मखमली घोषाल के बारे में, तो प्रथम तो ये महावीर जैन जी के शिष्य थे, लेकिन बाद में इन्होंने इनकी शिष्यता जो है त्याग दी थी, और त्याग कर इन्होंने एक अलग संप्रदाय बनाया था जिसको आजीवक संप्रदाय भी कहा जाता है। तो आजीवक संप्रदाय के ये संस्थापक थे, आजीवक संप्रदाय चलाया था मखमली घोषाल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने ब्राह्मणों और श्रमणों को सांप व नेमले की तरह शाश्वत दुश्मन कहा है। तो शाश्वत दुश्मन जो कहा गया है वो पतंजलि ने कहा है। पतंजलि ने ब्राह्मणों और श्रमणों को सांप व नेमले की तरह दुश्मन बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी मूर्तियों की सूची प्रथम और सेकंड में दी गई है। तो आपको यहाँ पर ही मिलान करना है कि कौन सी जो सूची है वो किससे संबंधित है मूर्ति से। तो यहाँ पर जो पीतल की जो मूर्ति संबंधित है वो संबंधित है कांगड़ा से, और काशी की जो बुद्ध की मूर्ति संबंधित है वो है सुल्तानपुर से। नेक्स्ट हमारे पास, बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति, तो बैठे हुए बुद्ध की जो मूर्ति है वो संबंधित है मानकुंवर से। और लास्ट में बचा है हमारे पास पार्श्वनाथ की जो मूर्ति है वो यहाँ पर भोजपुर से संबंधित है। तो इस क्रम में अगर देखते हैं तो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा डी। डी हमारा सही उत्तर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बौद्ध धर्म भोजन हिताय और भोजन सुखाय था, और बहुसंख्यक जैन को उनकी परेशानियों से छुटकारा देना चाहते थे। तो यहाँ पर जो हमारा प्रथम कथन है वो एक प्रथम कथन है ए, और उसका जो कारण है वो आर से संबंधित किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए। यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो हमारा आर है कारण है वो उसकी सही व्याख्या करता है। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय से संबंधित था यहाँ पर बौद्ध दर्शन, और बहुजन सिखा जन को उनकी परेशानी छुटकारा दिलाने का काम जो किया था वो बौद्ध धर्म ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बौद्ध धर्म की महासांघीय संप्रदाय की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी। तो बौद्ध धर्म के सांघियाई संप्रदाय की जो उत्पत्ति की गई थी वो वैशाली में की गई थी। इसी द्वितीय सभा थी वो वैशाली थी, और यहीं पर ही जो है इनको बांटा गया था। यदि हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म वैशाली सभा में ही यहाँ पर दो भागों में बैठा था। इसका जो पहला जो भाग था वो था महासंघीय संप्रदाय, और जो दूसरा संप्रदाय इसका नाम रखा गया था वो था थेरावादी संप्रदाय। तो दो भागों में बैठा था कहाँ पर, वैशाली की सभा में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन प्राभर्त के दर्शन के समर्थक थे। तो यहाँ पर जो प्राभर्त के जो दर्शन के जो समर्थक थे वो थे आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना की थी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में मखमली घोषाल जी ने। तो ये ही प्राभर्त के दर्शन के समर्थक थे। तो इनका मानना था कि ईश्वर और पुनर्जन्म और कर्मकांड में इनका विश्वास नहीं था, और ये भारत का प्रथम नास्तिकवादी या भौतिकतावादी संप्रदाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से किसने उच्छेदवाद कहलाने वाले भौतिकवाद सिद्धांत का प्रचार किया था। तो भौतिकवाद जो सिद्धांत का जो प्रचार किया था जिसको हम उच्छेदवाद भी कहते हैं, तो ये किया था अजीत केशम बली ने। अजीत केशम बली भगवान बुद्ध के समकालीन थे और एक प्रधानाचार्य थे। इन्होंने घोर उच्छेदवाद का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था।
और वह किसी तत्व में विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार न तो कोई कर्म पुण्य प्रदान करता है और न ही पाप, और मृत्यु के बाद शरीर जला दिए जाने पर उसका कुछ शेष नहीं बचता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बुद्ध की शिक्षाओं के निम्नलिखित पहलुओं में से किसको आश्रित उत्पत्ति के नियम के रूप में जाना जाता है? इसका जो यहाँ पर सही उत्तर है वो है ए। ए इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर, प्रतीत्येय समुत्पाद। तो इसको बोलते हैं प्रतीत्येय समुत्पाद। तो यहाँ पर बौद्ध दर्शन का जो केंद्र सिद्धांत है वो है प्रतीत्येय समुत्पाद। इसका जो, अगर हम शाब्दिक अर्थों के बारे में बात करते हैं, जो इसका जो अर्थ है यहाँ पर वो है किसी वस्तु के होने से, किसी वस्तु के होने पर, और समुत्पाद का मतलब है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति से संबंधित है। इसे काकरण सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसके जो है हम यहाँ पर 11 कर्मों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ किसी पुरुष और महिला के बीच 10 प्रकार के सम्मिलन का उल्लेख करता है? तो यहाँ पर जो 10 प्रकार के सम्मिलन का उल्लेख किया गया है वो किया गया है विनय पिटक में। तो विनय पिटक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बौद्ध धर्म के नियमों के बारे में चर्चा की गई है, बौद्ध धर्म के नियमों के बारे में, यम और नियमों के बारे में इसमें चर्चा की गई है, और इसको अनुशासन की टोकरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बुद्ध का क्या अर्थ है? अगर हम इसका सही उत्तर देखते हैं तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रबुद्ध। बुद्ध का क्या अर्थ है? तो बुद्ध का अर्थ है प्रबुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे सिद्धार्थ, वो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए, और 35 उम्र की उम्र में बोधगया में वैशाख पूर्णिमा, जो कि वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। निरंजना नदी के तट पर इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्राचीनतम जैन संन्यासी का प्रमाण कहाँ पर मिलता है? तो प्राचीनतम जैन संन्यासी का जो प्रमाण मिलता है वो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। अगर हम बात करते हैं इस अभिलेख की, तो यह है नंद राजा कलिंग के संबंधित है, नंद राजा कलिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सम्राटित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? तो इस कथा का जो संबंध है वो जैन संप्रदाय से यहाँ पर लगाया गया है, जैन से संबंधित है सम्राटित्य कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भगवापली कोसलोको अहमपी कोसलोको किस बौद्ध ग्रंथ का उद्गरण है? तो यह जो संबंधित है यह है मज्झिमम निकाय से, तो मज्झिमम निकाय से यह संबंधित है। और एक बार प्रश्नचित ने कहा था, ये जो ऊपर वाक्य लिखा गया है यही उनको एक बार यह कहा था, और यह कहा था यहाँ पर प्रश्नचित ने यह वाक्य कहा था। सही उत्तर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है यहाँ पर वो है, अधोलिखित किस बौद्ध ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? तो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का यहाँ पर उल्लेख किया गया है दिग्ग निकाय के बारे में, तो दिग्ग निकाय के बारे में यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो जो भगवती सूत्र है वो जैन धर्म से यहाँ पर संबंधित लगाया गया है, और ये जैन धर्म के सिद्धांतों के अतिरिक्त स्वर्ग और नर्क के विषय में भी यहाँ पर विस्तृत चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से किसके अर्थफलक संबंधित है? तो यहाँ पर जो अर्थफलक संबंधित लगाया गया है ये लगाया गया है बी, श्वेतांबर से। श्वेतांबर में जैन परंपरा के फलक, कोपिन, चीवर आदि यहाँ पर वस्त्रों के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? तो भागवत धर्म का पहला ज्ञात जो अनुयायी था वो यहाँ पर था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस को यहाँ पर प्रथम ज्ञात अनुयायी बताया गया है भागवत धर्म का। और यहाँ पर जो हेलियोडोरस थे ये तक्षशिला के यवन राजदूत थे, यहाँ पर इनका जो संबंध बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मेरु ब्रह्मांड की संबंधित है? तो मेरु ब्रह्मांड जो संबंधित है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। पर्वत मेरु के चतुष्पदी ठीक ही भौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांड की यहाँ पर परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। तो ऋषभदेव यहाँ पर सही उत्तर होगा हमारा डी, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थ के पुत्र को कहा गया है? तो बाहुबली जो कहा गया है वो ऋषभनाथ को कहा गया है यहाँ पर। तो बाहुबली किस तीर्थंकर का पुत्र था? वो ऋषभनाथ जी के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन सी स्त्री तीर्थंकर है? तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जो यहाँ पर स्त्री तीर्थंकर बताया गया है वो मल्लिनाथ को बताया है। यहाँ पर यह विवाद है श्वेतांबर और जो दूसरा यहाँ पर ग्रंथ था, तो जो यहाँ पर दूसरा ग्रंथ था दिगंबर, तो वो इनको जो है पुरुष बताते हैं। तो दिगंबर जी के संप्रदाय के अनुसार ये जो हैं पुरुष हैं, और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार ये जो हैं स्त्री हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा विवाद का विषय रहा है इनको लेकर के। और ये जो हैं जैन परंपरा के 19वें गुरु रहे हैं, तो 19वें तीर्थंकर थे यहाँ पर मल्लिनाथ, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी को जैन धर्म के 23वें तीर्थकर के रूप में संज्ञा दी गई। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म काशी या वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान के रहने वाले थे? तो जो रहने वाले थे ये थे बनारस, वाराणसी या काशी। मतलब सही उत्तर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 23वें तीर्थकर निम्न में से किस स्थान से संबंधित थे? जो हमारे 23वें तीर्थकर थे वो थे पार्श्वनाथ, और वो संबंधित थे आपके वाराणसी से, जहाँ से पीएम मोदी जी अभी चुनाव लड़कर लोकसभा में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन विश्वास के अनुसार जो 23वें तीर्थकर थे वो थे पार्श्वनाथ। तो ये काफ़ी प्रश्न है जो कई बार यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किस स्थल पर 23वें जैन तीर्थकर का जन्म हुआ था? तो 23वें तीर्थकर का जन्म हुआ था काशी, वाराणसी या आपका वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे पास। जैन धर्म के अनुसार 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था वाराणसी में। तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम से संबंधित है? तो यहाँ पर जो ये संबंधित है ये है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य यहाँ पर संबंधित है उद्दीपित चतुर्याम से। तो सही उत्तर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो तीर्थकर महावीर का जो जन्म हुआ था वो कुंडल ग्राम में हुआ था। तो कुंडल ग्राम में इनका यहाँ पर जन्म हुआ था 1599 ईस्वी पूर्व में। 1599 ईस्वी पूर्व में यहाँ पर इनका जन्म हुआ। हमारे पास जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, महावीर की जन्म स्थली थी, तो महावीर की जो जन्म स्थली थी वो वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। सही उत्तर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो महावीर को जो सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी जंभरिक ग्राम में। जंभरिक ग्राम में यहाँ पर उनको प्राप्ति हुई थी कैवल्य की। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, जंभरिक ग्राम में यहाँ पर उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 12 वर्षों की कठोर तपस्या करके। 12 ईयर्स की कठोर तपस्या करके उनको यहाँ पर प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था? तो वो जो नदी थी वो हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका तट के पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विवेचक कौन था? तो प्रथम जो विवेचक था वो था जामली। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12 वर्षों के बाद उनका जो प्रथम शिष्य था वो था जामली। तो उनसे उनका मतभेद हुआ, और मतभेद का कारण था कार्य करते ही पूरा हो जाना। इसको लेकर यहाँ पर मतभेद हुआ था, और इसी मतभेद के कारण जामली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत यहाँ पर नए सिद्धांत की स्थापना की थी। वो जो सिद्धांत था वो था बहुतेरवाद, बहुतेरवाद सिद्धांत की यहाँ पर स्थापना की थी जामली ने। तो जामली इनका शिष्य था और यहाँ पर इन्होंने स्थापना की थी बहुतेरवाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर जी की जो माता का नाम था वो था त्रिशला। त्रिशला यहाँ पर इनका नाम था। इनका अन्य नाम जो था वो प्रियकारिणी और विधि वेताप भी इनका नाम था। अगर हम बात करते हैं जनश्रुतियों के अनुसार, इनके पिता सिद्धार्थ के दो अन्य नाम थे, शेषाश्रय और यामश्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देवनंदा जैन धर्म के किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पर जो देवनंदा जैन धर्म में महावीर की माता के रूप में प्रसिद्ध हैं। सही उत्तर होगा इसका ए। महावीर की माता थी त्रिशला, जो विधिहन्ना, देवनंदा या इनको एक अन्य नाम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्याद भाव में संभावना होती हैं। तो स्याद भावनाओं में कुल जो संभावनाएं हैं वो होती हैं 7। सही उत्तर होगा इसका डी। स्याद भाव में संभावनाएं थी 7 संभावनाएं यहाँ पर बताई गई हैं। स्याद अस्थि, स्याद नास्ति, स्याद अस्थि, स्याद अव्यक्तम, स्याद अव्यक्तम, स्याद अव्यक्तम, स्याद अव्यक्तम नास्ति अस्ति। तो यहाँ पर जो है 7 संभावनाओं को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्यादवाद किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो स्यादवाद का जो संबंध है वो संबंधित बताया गया है जैन धर्म से। जैन धर्म स्यादवाद संबंधित है, और की जो संभावनाएं हैं वो 7 संभावनाएं को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्यादवाद जुड़ा हुआ है। तो स्यादवाद जुड़ा हुआ है जैन धर्म से, स्यादवाद जुड़ा है जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अनेकांतवाद किससे संबंधित है? तो अनेकांतवाद जो संबंधित है वो संबंधित है जैन धर्म से। यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित है अनेकांतवाद, या इसको स्यादवाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? तो अनेकांतवाद विशेष लक्षण है यहाँ पर जैन धर्म का। जैन धर्म का अनेकांतवाद एक विशेष लक्षण है। यहाँ पर जो इसका अर्थ है वो, किसी वस्तु के अनेक धर्म होते हैं और व्यक्ति अपनी असीमित बुद्धि द्वारा केवल कुछ ही धर्मों को जान सकता है। पूर्ण ज्ञान ना तो केवल इन्हीं के लिए संभव है, और उनका कहना है कि सभी विचार अंततः सत्य हैं। तो यहाँ पर इनका संबंध है जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे पास, एकांतवाद किसका विशेष लक्षण है?
तो ये जैन धर्म का है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, तो अनेकांतवाद किसका लक्षण है, ये जैन धर्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस अवधारणा के अनुसार यह माना जाता है कि सत्य बहुत जटिल है और उसके अनेक पहलू हैं। तो ये हमने भी पिछले बात कही थी, तो किसी कई वस्तु ऐसी होती हैं वो बहुत जटिल होती हैं और उसकी अनेक संभावनाएं हैं, और इन्हीं संभावनाओं को सभी केवल लेने के प्रति जागना सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर सी, सत्य बहुत जटिल है और उसके अनेक पहलू होते हैं। तो ये सिद्धांत हमें बताया है अनेकांतवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है। तो महावीर की जो शिक्षा है उसका विशेष नाम यहाँ पर बताया गया है पंचवर्त। तो पंचवर्त जो ये संबंधित बताए गए हैं, ये बताए गए हैं आपके अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये पांच मंत्र यहाँ पर बताए गए हैं। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ है यहाँ पर है हिंसा ना करना, हिंसा ना करना। यहाँ पर जो दूसरा बताया गया है वो है सत्य, हमेशा सत्य का साथ देना यहाँ पर बताया गया है। अस्तेय बताया गया है यहाँ पर कभी चोरी नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास अपरिग्रह। अपरिग्रह का यहाँ पर अर्थ लगाया गया है आवश्यक वस्तुओं का ही संग्रह करना। और सबसे लास्ट में यहाँ पर बताया गया है ब्रह्मचर्य को। तो ब्रह्मचर्य सबसे लास्ट में बताया गया है। ये पांच मंत्र जो महाव्रत हैं ये महावीर की शिक्षा का विशेष नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा गया था महावीर जी के द्वारा। तो महावीर जी के द्वारा यहाँ पर जो सब जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य को। तो पहले ये चार थे और लास्ट में आके ब्रह्मचर्य जी ने एक पांचवा मंत्र यहाँ पर जोड़ा था महाव्रत जिसको बोलते हैं। तो ये महाव्रत था ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। तो जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है कि ईश्वर द्वारा कैवल्य की प्राप्ति, ईश्वर द्वारा कैवल्य की प्राप्ति जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैन धर्म के किस तीर्थकर ने सर्वदा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था। तो यह जो आदेश दिया था त्याग करने का वस्त्रों के, तो ये दिया था महावीर जी ने। जो महावीर जी थे ये 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के महावीर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ पर हुआ था। तो प्रथम संकलन जो हुआ था यहाँ पर, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि प्रथम जैन संगति कहाँ पर हुई थी। तो प्रथम जैन संगति आपके पाटलिपुत्र शहर में हुई थी, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है। जो त्रिरत्न में जो विश्वास करता है वो करता है जैन धर्म। तो सही उत्तर होगा इसका बी, जैन धर्म तीन रत्न में विश्वास करता है। और जो उसके जो मूलतः है यहाँ पर तीन रत्न बताए गए हैं वो हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यहाँ पर तीन रत्नों को बताया गया है इनके, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यहाँ पर ये तीन रत्नों को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पंच महाव्रत और तीन रत्न किस धर्म से संबंधित है। पंच महाव्रत और तीन रत्न संबंधित हैं आपके जैन धर्म से। पंच महाव्रत थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। वो जो तीन रत्न हैं वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के तीन रत्न से संबंधित नहीं है। तीन रत्न से जो संबंधित नहीं है वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक, यहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो सम्यक कार्य के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रचार का माध्यम बनाया था। तो यहाँ पर जो धर्म गुरुओं ने जो भाषा का जो माध्यम चुना था वो थी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा को यहाँ पर चुनने का कारण ये था कि ये आम बोलचाल की भाषा थी प्राकृत भाषा, और जो संस्कृत भाषा थी वो विशेषतः ब्राह्मणों और संपोषित वर्गों के रूप में यहाँ पर बोली जाती थी, लेकिन जो प्राकृत भाषा थी वो आम बोलचाल की भाषा थी, तो चुनने का यह कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था। तो महावीर जैन ने की जो भाषा थी वो थी अर्धमागधी। अर्धमागधी मगध के लोगों की एक भाषा थी जिसको अर्धमागधी कहा जाता है। ये आज का बिहार रीजन में हम देखते हैं, बिहार रीजन में जो आज का पूर्व काल में मगध के नाम से प्रसिद्ध था, तो यहाँ पर की जो भाषा थी वो थी अर्धमागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी। तो प्रथम जो जैन सभा आयोजित की गई थी वो की गई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था और जिसमें श्वेतांबर आगमों का संपादन किया गया था। चूंकि जैन जो शास्त्र थे वो नष्ट हो चुके थे, उन्हें पुनः एकत्रित करने के लिए चतुर्थ शताब्दी में ईस्वी पूर्व में इस जैन सभा का आयोजन किया गया था, और इसमें जो है भरतबाहु ने के जो अनुयायी थे उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था। जो कनिष्क राजा थे वो महायान धर्म के या संप्रदाय के यहाँ पर अनुयायी थे। सही उत्तर होगा इसका बी, बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
प्रथम जैन संगति किसके ने आहुत की थी? तो प्रथम जैन संगति जो आहुत की गई थी वो स्थूलबुद्ध द्वारा की गई थी। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में की गई थी और उसके जो अध्यक्षता की थी वो स्थूलबुद्ध ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लगभग तीसरी शताब्दी में प्रथम जैन संगोष्ठी कहाँ पर की गई थी? प्रथम जैन संगोष्ठी जो की गई थी वो पाटलिपुत्र में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? तो जैन धर्म का जो ईश्वर के प्रति विचार था वो था ईश्वर में अविश्वास। तो यहाँ पर यह है ईश्वर में अविश्वास इन्होंने संज्ञा दी है। और ये जो है शुद्ध और नैतिक जीवन, विशेषतः जीव दया और अहिंसा पर इन्होंने बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर एडविन एंड्रॉल की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया निम्न किस पर आधारित है? तो ये जो आधारित है वो ललित विस्तार पर आधारित है और जो संबंधित है यहाँ पर बुद्ध की जीवनी से संबंधित है और यह ललित विस्तार से यहाँ पर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दिग् निकाय का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो दिग् निकाय का जो हिंदी अनुवाद किया था वो राहुल संकरत्यान ने यहाँ पर किया था। सही उत्तर होगा इसका बी, राहुल संकरत्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे? तो बौद्ध काल में जित गणराज्यों की जो संख्या बताई गई है वो बताई गई है 10। सही उत्तर होगा इसका ए, 10 यहाँ पर संख्या बताई गई है। और जो अगर हम बात करते हैं इन गणराज्यों में जो सबसे शक्तिशाली राज्य था वो वैशाली था। तो वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जो है राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गौतम बुद्ध कहाँ पर पैदा किए गए थे? तो गौतम बुद्ध जो पैदा हुए थे वो लुबनी ग्राम में यहाँ पर पैदा किए थे जो कपिलवस्तु के निकट है। कपिलवस्तु के लुबनी ग्राम में यहाँ पर इनको पैदा किया गया था, ये पैदा हुए थे लुबनी में। अगर हम इनके पिता के बारे में बात करते हैं तो जो इनके पिता थे वो कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे और माता महामाया अथवा महादेवी कोल्लीय गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ नाम से प्रसिद्ध थे, जानते थे, और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया जिसमें बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिकर्षमण की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध जी ने जो महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था वो प्राप्त किया था कुशीनिरा में। तो कुशीनिरा में इन्होंने यहाँ पर प्राप्त किया था महापरिनिर्वाण, जो राजधानी थी मल गणराज्य की। तो यहाँ पर ये मल गणराज्य की राजधानी थी कुशीनिरा, यहाँ पर इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लुबनी किसका जन्म स्थान है? तो लुबनी जो जन्म स्थान है वो सिद्धार्थ यानी भगवान बुद्ध का यहाँ पर जन्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? जो बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो यहाँ पर जो उसका सही उत्तर होगा वो होगा कुशीनिरा के मल्ल में। सही उत्तर है सी, कुशीनिरा के मल्ल में यहाँ पर इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बुद्ध जी का या गौतम बुद्ध का जन्म लुबनी में स्थित है। तो यह जो स्थित है ये आपका अब क्षेत्र पड़ता है नेपाल में। तो नेपाल के लुबनी में यह भगवान बुद्ध का जन्मस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गौतम बुद्ध के पिता सोमवर्धन कहाँ के राजा थे? तो यह राजा थे आपके कपिलवस्तु के शाक्य गण के। सही उत्तर होगा इसका बी, कपिलवस्तु के शाक्य गण के यह प्रधान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शाक्य गणतंत्र में सभास्थल में भेंट करने वाले स्थान को क्या कहते हैं? तो भेंट करने वाले स्थान को यहाँ पर जो कहा जाता है वो सांथागार कहा जाता है। यहाँ पर जो शाक्य गण के जो निर्वाचित गण सभा करने के लिए सांथागार में इकट्ठे होते थे और सांथागार शाक्य गणतंत्र में महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मंतव्य में एक रूपता लाने के लिए सदस्यों के बैठक का नाम था। यानी बैठक का जो सभा स्थल था उसका नाम सांथागार था, जो आधुनिक युग में हम विधानसभा भवनों के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला जो अंतिम व्यक्ति था वो सुभद्र था। अपने जीवन काल के अंतिम वर्षों में बुद्ध जी ने अपने शिष्य चंदू के यहाँ पाओ पहुँचे और वहाँ पर सोकर माच्छो भोज्य जो सामग्री थी वो ग्रहण की, और इसकी जो ग्रहण करने की वजह से उनको अतिसार की समस्या होती है और इसी समस्या की वजह से वे पीड़ित रहते हैं। फिर से वे पावा से कुछ निराश चले जाते हैं और यहीं पर ही सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश यहाँ पर प्रदान करते हैं। तो सही उत्तर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना बैसाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई थी? तो जो बैसाख पूर्णिमा को जो घटित नहीं हुई थी वो थी गृह त्याग। सही उत्तर होगा इसका डी, बाकी जितनी भी घटनाएं हैं वो बैसाख पूर्णिमा के दिन यहाँ पर घटी थी। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, इसे बुद्ध जयंती के रूप में हम मनाते हैं। कठिन साधना के पश्चात बैसाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और ये बुद्ध के नाम से विख्यात हुए थे। पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध को सर्वज्ञ आरोहण समारोह भी मनाया जाता है। सामान्यता यह है कि इस दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी और बुद्ध के जीवन में गृह त्याग की घटना बैसाख पूर्णिमा को घटित हुई थी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।